टॉप 5 कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स अंडर 30,000। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गैजेट दुनिया पर। तो दोस्तों जो 30,000 का बजट रेंज है ना, मेरे हिसाब से एक परफेक्ट बजट रेंज है एक बेहतरीन कैमरा स्मार्टफोन परचेज करने के लिए। बिकॉज यहाँ पर हर एक कंपनी से कोई ना कोई स्मार्टफोन आपको एक बहुत ही अच्छी कैमरा क्वालिटी के साथ देखने को मिल जाता है। तो अगर आप भी कंफ्यूज है कौन से स्मार्टफोन और कौन से ब्रांड की तरफ आपको जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिकॉज इस वीडियो हमने सेलेक्ट किए हैं टॉप 5 बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स अंडर 30,000, जिनमें आपको बहुत ही अच्छी कैमरा क्वालिटी देखने को मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से स्मार्टफोन है वो और क्या स्पेसिफिकेशंस आपको उन स्मार्टफोन्स पे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें हमारी लिस्ट के फर्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, तो वो आता है गूगल की तरफ से पिक्सल 6 स्मार्टफोन। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो तकरीबन आपको यह स्मार्टफोन 28 से 29 हज़ार के बीच में देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो परफॉर्मेंस के लिए आपको देखने को मिलता है गूगल टेंसर चिप, जो कि एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है, और ये जो प्रोसेसर है वो 2.8 GHz पे क्लॉक्ड है, और यहाँ पे आपको 6 GB की रैम सपोर्ट देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की, तो 6.1 इंचेस की एक OLED डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स की है, और यहाँ पे आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आई नो आपको 60Hz जो रिफ्रेश रेट है वो थोड़ा कम लग रहा होगा, बट गूगल का ये जो स्मार्टफोन है ना, वो इतना ज्यादा स्टेबलाइज किया गया है कि 60Hz में भी आपको एक काफी अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस फील कराएगा। एंड इसके अलावा आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें आपको 12.2 MP का एक प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, जहां पर आपको 5x तक की डिजिटल जूमिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड दूसरा आपको 12 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, जो कि सेकेंडरी कैमरा है, और यहाँ पे आपको बैक पे डुअल LED फ्लैश का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा जब भी आप वीडियो को रिकॉर्ड करोगे इस कैमरे से, तो आप 4K क्वालिटी में 30 FPS पर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो कलर्स निकल कर आएंगे आपकी वीडियो में वो काफी अच्छे होंगे। बिकॉज गूगल का जो कैमरा क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है। सो जिनको भी एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए अंडर 30,000, वो लोग अपनी फर्स्ट चॉइस में इस स्मार्टफोन को रख सकते हैं और इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सामने वाले कैमरे की, तो सामने आपको मिल जाता है 8 MP का एक बढ़िया वाइड एंगल लेंस, जो आपको हेल्प करेगा आपकी सेल्फीज को क्लिक करने में, और बहुत ही अच्छी वीडियो भी क्रिएट करके देगा सामने से। So, जब भी आप सामने वाले कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करने जाएंगे, तो आप मैक्सिमम फुल HD क्वालिटी में 30 FPS पर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें बैटरी स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 4410 mAh की बढ़िया बैटरी, जो कि सपोर्ट करती है 18W के फास्ट चार्जिंग को। सो ये रहे हमारे लिस्ट के फर्स्ट स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स, और इसमें आपको एक क्लीन UI देखने को मिल जाता है। सो इस स्मार्टफोन के साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। सो हाँ, अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों सेकंड नंबर वाला जो स्मार्टफोन है वो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी S20 FE स्मार्टफोन। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो तकरीबन आपको यह स्मार्टफोन 25 से 27 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगा। सेल के दौरान ऊपर नीचे होता रहता है, और अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं, तकरीबन आप 32-33 हज़ार अगर खर्च कर सकते हैं, तो इसी का एक सक्सेसर है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, आप उस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। बिकॉज उसमें जो कैमरा क्वालिटी मिलती है इसके कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी है, और 50-60 हज़ार के रेंज में आपको उस लेवल वाली कैमरा क्वालिटी किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, तो आप बढ़ाकर उस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। तो अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सैमसंग एक्सिनोस 9 Octa 9090 का चिपसेट, जो कि एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है, एंड ये जो प्रोसेसर है वो 2.73 GHz पर क्लॉक्ड है, एंड यहाँ पे आपको 8 GB की रैम सपोर्ट देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की, तो 6.5 इंचेस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स की है, एंड यहाँ पे आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड स्क्रैचेस से प्रोटेक्शन के लिए आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। सो इस स्मार्टफोन में जो आपको डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा, एंड जब भी आप कंटेंट कंज्यूम करेंगे इस स्मार्टफोन में, तो आपको एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस फील होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको मिल जाती है सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले। तो वहीं अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें 12 MP का आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 MP का एक टेलीफोटो लेंस, जहां पर आपको 30x तक की डिजिटल जूमिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और अप टू 3x तक की ऑप्टिकल जूमिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको 12 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा, एंड इसमें भी आपको बैक पे एक LED फ्लैश का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड जब भी आप इस कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड करने जाओगे, तो आप मैक्सिमम 4K क्वालिटी में 30 FPS पर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक बात आप याद रखिएगा कि आप 12 MP और इसके 8 MP देख के ये मत सोचिएगा कि इसकी कैमरा क्वालिटी भी कमजोर होगी, बिकॉज यहाँ पे आपको 12 MP में भी बहुत अच्छी कैमरा क्वालिटी सैमसंग और गूगल के स्मार्टफोन
देते हैं, तो आप इनका मेगापिक्सल देख के इनके कैमरे को जज मत करिएगा। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के सामने वाले कैमरे की, तो 32 मेगापिक्सल का आपको एक सामने कैमरा देखने को मिल जाता है और सामने से भी आप 4K क्वालिटी में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप इस स्मार्टफोन को पाय कर सकते हैं, बिकॉज दोनों साइड से आपको 4K क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशन की, तो 4500mAh की आपको यहाँ बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 25W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। सो ओवरऑल जो इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छे निकल के आ जाते हैं। हालांकि ये स्मार्टफोन जो है थोड़ा पुराना है, सो अगर आपको एक न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन चाहिए तो आप थोड़ा सा बजट बढ़ा के सैमसंग गैलेक्सी S21 FE की तरफ जा सकते हैं। अगर आप बजट नहीं बढ़ा सकते तो आप अदर स्मार्टफोन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सैमसंग का स्मार्टफोन लेने जाते हैं तो ये स्मार्टफोन पुराना जरूर है, बट अभी भी इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी लाजवाब है, तो आप इस स्मार्टफोन को भी ले सकते हैं। तो ये तो रहे हमारे लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स। अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों थर्ड नंबर वाला जो स्मार्टफोन है वो आता है वीवो की तरफ से, वीवो V27 स्मार्टफोन। और ये जो स्मार्टफोन है वो अभी रिसेंटली मार्च मंथ में लॉन्च हुआ है। सो जिनको एक रिसेंटली लॉन्च स्मार्टफोन चाहिए वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं। अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तकरीबन आपको यह स्मार्टफोन 29,000 से 30,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7200 का चिपसेट, जो कि एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। एंड ये जो प्रोसेसर है वो 2.8GHz पर क्लॉक्ड है। एंड यहाँ पे आपको 8GB की रैम सपोर्ट देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की, तो 6.7 इंचेस की एक AMOLED डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि 1080x2400 pixels की है। एंड इसके अलावा आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जहाँ पे 50MP का एक प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, 8MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और तीसरा 2MP का एक मैक्रो कैमरा आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। एंड सबसे खास इस स्मार्टफोन में आपको एक रिंग LED देखने को मिलेगी रियर साइड में, जिससे आप नाइट में भी काफ़ी अच्छी फोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं और ऐसा लगेगा कि दिन में आपने फोटो क्लिक करी है या फिर लाइटिंग अच्छी तभी आपने फोटो क्लिक करी है। और जब भी आप इस कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो आप 4K क्वालिटी में मैक्सिमम 30fps पर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो कैमरा लवर्स के लिए यह स्मार्टफोन भी काफी ज्यादा लाजवाब होने वाला है। वहीं अगर बात करें सामने वाले कैमरे की, तो सामने भी आपको एक काफी अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि है 50MP का एक सेल्फी कैमरा। एंड सामने से भी आप 4K क्वालिटी में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं इस स्मार्टफोन में भी। सो जिनको भी वीवो की तरफ से आने वाला कोई कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए under 30,000, वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस की, तो 4600mAh की आपको यहाँ काफी बढ़िया बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 66W की फ्लैश चार्जिंग को। सो आपको जो स्मार्टफोन है सिंगल चार्ज में लंबा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कराएगा, एंड जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा तब आप उसे जल्दी चार्ज भी कर पाएंगे। सो ये तो रहे हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के फोर्थ नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों फोर्थ नंबर वाला स्मार्टफोन है वो आता है Nothing Phone 1। अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तकरीबन आपको ये स्मार्टफोन 27,000 से 28,000 के बीच में देखने को मिलेगा और इस बजट रेंज में जो इसके स्पेसिफिकेशन है वो काफी लाजवाब देखने को मिल जाते हैं। तो अगर डिटेल्स बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की, तो परफॉर्मेंस के लिए आपको यहाँ देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 778G प्लस का प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। एंड ये जो प्रोसेसर है वो 2.5GHz पर क्लॉक्ड है। एंड यहाँ पे आपको 8GB की रैम सपोर्ट देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की, तो 6.55 इंचेस की OLED डिस्प्ले आपको यहां देखने को मिलती है, जो कि 1080x2400 pixels की है। एंड यहां पे अभी आपको 120Hz का एक बहुत ही अच्छा रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो आपको एक काफी अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा जब भी आप इस स्मार्टफोन को यूज करोगे। और OLED डिस्प्ले पैनल दिया गया है, सो आपको कलर्स भी काफी अच्छे देखेंगे जब आप कंटेंट कंज्यूम करोगे या कोई पिक्चर देखोगे। एंड इसके अलावा आपको स्क्रैचेस से प्रोटेक्शन के लिए यहां पे मिल जाता है Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन, सो आपको स्क्रैचेस की कोई भी फिक्र नहीं करनी है इस स्मार्टफोन में। वहीं अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स की, तो वो काफी कमाल के निकल के आते हैं, बिकॉज यहाँ पे मिल जाता है आपको 50+50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप, जहाँ पे 50MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि एक वाइड एंगल लेंस है, और 50MP का सेकेंडरी कैमरा, जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। इसके अलावा आपको बैकपैक LED फ्लैश सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड जब भी आप इस कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड करोगे तो आप मैक्सिमम 4K क्वालिटी में 30fps पर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो कैमरा लवर्स के लिए यह स्मार्टफोन भी काफी अच्छा निकल के आ जाता है। और जिनको भी एक स्टाइलिश डिजाइन वाला फोन चाहिए वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज इस स्मार्टफोन में काफी यूनिक डिजाइन आपको देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात करें सामने वाले कैमरे की, तो 16MP का आपको इसमें कैमरा देखने को मिल जाता है सामने की तरफ। और अगर आप सामने वाले कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो आप मैक्सिमम फुल HD क्वालिटी में 30fps पर अपनी वीडियो को यहां से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशन की, तो 4500mAh की आपको यहां भी काफी बढ़िया बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 33W की क्विक चार्जिंग को। सो आपका जो फोन है लगभग 40 से 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। सो जिन भी लोगों को चार्जिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना है वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बैटरी भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है और ओवरऑल जो स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन है वो भी काफी ज्यादा लाजवाब है। सो ये तो रहे
हमारी लिस्ट के फोर्थ नंबर वाले स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स। अब बढ़ते हमारी लिस्ट के लास्ट और फाइनल स्मार्टफोन की तरफ, जो कि आता है IQ की तरफ से IQ Neo 7 स्मार्टफोन। और यह स्मार्टफोन भी अभी इसी साल 2023 में ही लॉन्च हुआ है। सो जिनको भी एक न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन चाहिए वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तकरीबन आपको यह स्मार्टफोन 29,000-30,000 या 28,000 तक का देखने को मिल जाएगा। सेल के दौरान आपको प्राइसेस ऊपर नीचे होती दिखाई देंगी, और अगर आप बैंक ऑफर लगा के इस स्मार्टफोन को बाय करते हैं तो आप इसे और सस्ता खरीद सकते हैं। तो अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के लिए मिल जाता है MediaTek Dimensity 8200 का चिपसेट, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। और ये जो प्रोसेसर वो 3.1 GHz पे क्लॉक्ड रहेगा। इसके साथ आपको मिल जाते हैं यहाँ पे 8GB की रैम सपोर्ट। वहीं अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की, तो 6.78 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स की है। और यहाँ पे भी आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो इस फोन में भी आपको काफी अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस फील होने वाला है। एंड इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जिनमें आपको 64MP का प्राइमरी कैमरा, 2MP का डेप्थ कैमरा और तीसरा 2MP का एक माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा आपको बैक पे एक LED फ्लैश सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। एंड जब भी आप इस कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करने जाएंगे तो आप मैक्सिमम 4K क्वालिटी में 30fps पर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें सामने वाले कैमरे की, तो 16MP का आपको यहाँ सामने कैमरा देखने को मिल जाएगा। और अगर आप सामने वाले कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप फुल HD क्वालिटी में मैक्सिमम 30fps पर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें बैटरी स्पेसिफिकेशंस की, तो 5000mAh की काफी बढ़िया बैटरी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और उससे बढ़िया फीचर इस स्मार्टफोन में है उसकी फास्ट चार्जिंग, जो कि है 120W की। सो आपका जो स्मार्टफोन है वो फटाफट चार्ज हो जाएगा, लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे इस स्मार्टफोन को फुल चार्ज होने में। सो ये है टॉप 5 कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन जो आपको देखने को मिलते हैं 30,000 के बजट में। सो आई होप आपकी जो कंफ्यूजन थी कि कौन से स्मार्टफोन की तरफ आपको जाना चाहिए वो को दूर हो गई होगी, और आप इन्हीं 5 में से कोई ना कोई स्मार्टफोन बाय कर लीजिएगा। अगर आपको 30,000 के बजट में कोई स्मार्टफोन बाय करना है जिसमें आपको बेहतर कैमरा क्वालिटी देखने को मिले, बेहतर प्रोसेसर देखने को मिले, सो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिल गया होगा। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला है तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली ऑनलाइन टेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।